तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आपको पता होगा कि यूट्यूब समय समय पर अपने पॉलिसी अपडेट, दुनिया भर की चीज़ें करते रहता है, जो कि मतलब लोगों को परेशान भी कर देती है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप हर किसी का दर्द समझ सकते हो, और इस तरह की अपडेट जो आती हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत ही आसान होता है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी जो रिसेंटली अपडेट मिला है, जो कि हमें अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं, अब अगर हम ये टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते तो हमारा जो भी कलेक्शन होगा वर्ल्ड वाइड, उसमें से 24% यूट्यूब काट लेगा। अब 24% काट लेगा, यानी अगर आप $100 कमाते हो, उसमें से आपके $24 कट कर लिए जाएंगे, चाहे वो आप कहीं से भी पैसे कमाते हो। लेकिन अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, अपने एडसेंस में सारी चीज़ें भर देते हो, टैक्स इन्फॉर्मेशन भर देते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप बाहर की कंट्री से पैसे कमाओगे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15% आपके पैसे कटेंगे, और इंडिया में जो भी अर्निंग होगा उसका एक भी पैसा नहीं कटेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके काफ़ी सारे पैसे कट जाएंगे। मुझे पता है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता चली गई होंगी और आपने कर भी लिया होगा, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं किए, मेरी तरह आलसी हैं और उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भाई साहब मैं यही कहता हूँ कि जल्दी से कर लो, क्योंकि 31 मार्च के बाद आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे अगर आपने अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरे हुए। वैसे मैं पहली बार जो भी चीज़ें किया हूँ कंप्यूटर के ऊपर किया हूँ, तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सिंपल तरीके से आसानी से समझा पाऊँ, बस शॉर्टकट में ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए फटाफट चलते अपने पीसी में, यानी कि लैपटॉप में, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझा देते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप में, और यहाँ से हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और स्टूडियो में जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको मैसेज मिल जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्रिएटर आउटसाइड फॉर US, यानी US से जो बाहर रहते हैं उनके लिए। यहाँ पे देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस में डालना हुआ है, अभी एडसेंस में आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखने को मिल जा रहा है ये मैसेज, आप पढ़ लो आराम से। यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल में भी देखने मिल जाएगा, यहाँ पे देखो मैनेज टैक्स इन्फो, यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज टैक्स इन्फो में, और डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट कर देगा आपके उसी सेशन में जहाँ से आपको सारी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड टैक्स इन्फो क्लिक के, तो यहाँ पे आपको फिर से आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आपका यूट्यूब का पासवर्ड है, आप डाल लीजिए फटाफट। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको करना है इंडिविजुअल अकाउंट है मेरा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यू आर ए सिटीजन ए रेजिडेंट ऑफ US स्टेट, नहीं है तो नेक्स्ट करेंगे। एक ही साथ पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक एक आ रहा है, क्योंकि मैं पहली बार भर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर जो है पहले ये सारी चीज़ें करके उसके बाद आपको बताए हुए हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली अभी तक मैं इस सेशन में आया ही नहीं था। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह से मैं सोचा था मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, लेकिन जो भी है मैंने पहली बार ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये बिजनेस अकाउंट के लिए है और ये बिना बिजनेस के लिए है, ठीक है। हम इस वाले पे करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुली डालनी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ देना। यहाँ पे सिटीजनशिप हम इंडिया से हैं, तो यहाँ पे हम डाल देंगे इंडिया, और यहाँ पे इंडिया हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको TIN लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो TIN लिखा है, यानी टैक्स पेयर एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि ये US के लिए यूज होता है, अपने इधर पैन कार्ड बोलते हैं, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं फटाफट से, आप भी अपना डाल लेना जो भी है, नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे हम सब डाल लेते हैं। अगर आपका एक ही एड्रेस है, एक ही जगह आप रहते हो, तो आपको इसमें टिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक सबका कॉपी कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया कि अगर आप 30% देना चाहते हो तो इसको नो कर दो, अगर आप चाहते हो कि रिड्यूस करना है तो इस पे यस कर सकते हो, टैक्स जो है उतना नहीं देना चाहते हो इसके अंदर, तो यहाँ पे हम कर देंगे। उसके बाद एडसेंस से हम सर्विस लेते हैं तो इस पे कर देंगे, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है तो इस पे करके, और यहाँ पे रेट 0% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे टिक लगाना है, फिर इस पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन पिक्चर एंड TV थोड़ा बहुत हम लोग क्लिप तो यूज ही कर लेते हैं, तो इस पे हम करेंगे Article 12, और यहाँ पे 15% कर देंगे क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे YouTube गूगल प्ले करेंगे, और फिर से यहाँ पे अदर कॉपीराइट, मतलब कोई भी और चीज़ होता है तो फिर यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे भी 15% कर देंगे, फिर इसको भी ओके करना है, भाई कोई ऑप्शन छोड़ना ही नहीं, सब करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो चीज़ दिखा रहा है ये आपका डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है, तो इसको आप बड़ा करके पढ़ भी सकते हो। तो मैं पढ़ लेता हूँ, आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो सब कुछ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे फुल लीगल नेम डालना है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ।
तो आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, जो आपका लीगल नेम है, जो आपके हर डॉक्यूमेंट पे हो वही डालना है। ऐसा नहीं कि आप चैनल का नाम ही डाल दो। तो नाम डालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। आप क्यों करना है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये मैं खुद ही वेरीफाई कर रहा हूँ। बाकी अगर जो MCN होता है उसमें जो वेरीफाई करते हैं तो उन लोग इसको करेंगे, नहीं मैं थर्ड पर्सन हूँ जो मैं इस ये सारी चीज़ें भर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा रहा है कि आप US के अंदर ये सारी चीज़ें करते हो, मैं US में रहता ही नहीं हूँ। तो इसको ओके कर देना है, ठीक है। देखो तो दोस्तों यहाँ पे हमने नो कर दिया, इसको भी क्लिक कर दिया, लेकिन इस वाले में मैं इस पर क्यों क्लिक किया हूँ आपका सवाल होगा, तो बेसिकली होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट रिसीव किया, देखो यहाँ पे रिसीव किया है अगर आपने पेमेंट, तो ये वाला सेलेक्ट करना। अगर आप नए हो यहाँ पे, देखो न्यू एग्जिस्टिंग, तो आपको ये वाला क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इस पर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कभी भी आपने एडसेंस से पैसा नहीं लिया, जिस एडसेंस में आपको ये सारी चीज़ें डाल रहे हो, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर लिए हो तो इस पे, उसके बाद इस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस ऑप्शनल है तो कुछ नहीं करना है हमें चेंज, सब ठीक है, तो सबमिट कर देना है, ठीक है। तो भैया हमने कर दिया सबमिट, ठीक है। अब क्या होगा कि जितना भी पेमेंट बाहर से आता है, US के अंदर से आता है, तो उसमें से 15% पहले ही काट लिया जाएगा। बाकी अगर इंडिया में जो भी पैसा आप कमाते हो तो आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, केवल बाहर से पैसा आ रहा है तो उसमें 15% कट जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर आप नया सबमिशन भरना चाहते हो तो यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी हमारा काम तो हो चुका है कम्प्लीट। तो अभी हमने अपना क्रिएटर स्टूडियो रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे जो हमारे सामने आ रहा था पॉपअप मैसेज इंपोर्टेंट का, वो हट चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर सकते हो और ये तुरंत ही वेरीफाई हो जाता है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन हो जाता है ओके, और आपको वहाँ पे तुरंत ही मैसेज देखने मिल जाता है कि आपका जो भी है कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ गए होंगे। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना। वैसे मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर आने वाला हूँ सऊदी से बहुत ही जल्द। तो इसके मैं लिए थोड़ी सी शॉपिंग हुई, रिचार्ज इधर उधर मैं भागे जा रहा हूँ, यहाँ तक कि ब्लॉग भी नहीं टाइम पे अपलोड हो पा रहा है। और हाँ, ब्लॉग से ज्यादा अगर आपने अभी तक हमारा लेटेस्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन में लिख कर वहाँ पे जाके देख लो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ये नहीं रहेगा तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, समझ लो कि इसके बिना आप घर जा ही नहीं पाओगे। रात के 3 बजे हम लोग विदाई देने जा रहे हैं हमारे अल्लाह हाफिज, जाओ फोन करो पहुँच के। हेलो नमस्कार मोहब्बत अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। क्योंकि ब्लॉग पे आजकल काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, चैनल कर दो, सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।